अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कुक टू ईट। आज हम बना रहे हैं हैंड सैनिटाइज़र। कोरोना वायरस जितना वाइडली स्प्रेड है तो हमने सोचा आपको जो है हैंड सैनिटाइज़र घर पर ही बनाना बताएं, क्योंकि मार्केट में ये अभी अवेलेबल नहीं हो रहा या बहुत मुश्किल से अवेलेबल है, बहुत कॉस्टली है। तो हमने सोचा आपको घर में ही इसको बनाना सिखाते हैं, जिसको बनाना आसान भी बहुत है और ये बहुत कम कॉस्ट पर भी बन रहा है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए स्पिरिट। आप किसी भी कंपनी का जो है स्पिरिट ले लीजिए। ये जो है बहुत सस्ता इजीली मिल जाता है, जो किसी को चोट वगैरह लगे तो हम ये यूज़ भी करते हैं उस चीज़ों के लिए। तो इस और हमें चाहिए होगा इसके लिए डेटॉल। आपके लिए ऑप्शनल है, आप ये यूज़ करना चाहें, नहीं तो आप इसको ऑमिट भी कर सकते हैं। ये फ्रेग्रेंस भी देगा, प्लस एंटी बैक्टीरियल है, जर्म्स को जो है वो किल भी करता है। और हमें चाहिए होगा ग्लिसरीन, इसमें हम यूज़ करेंगे। ये आपके हाथों को बहुत सॉफ्ट भी बनाएगा एंड सेकेंडली कि ये आपको जो है वो एंटी बैक्टीरियल भी है, आपके बैक्टीरियाज भी किल करेगा। और हमें चाहिए इसके लिए एलोवेरा जेल। हम फ्रेश ले रहे हैं, आप के पास इसकी अवेलेबल हो मार्केट में एलोवेरा जेल, जो कि बॉटल्स में अवेलेबल होती है, आप वो भी ले सकते हैं, हम फ्रेश लेंगे। और हम लेंगे विटामिन ई का एक कैप्सूल, जो आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी स्किन को बहुत स्मूथ भी बनाएगा। आप बार बार से वॉश करेंगे, रफ़ नहीं करेगा आपकी स्किन को। ये 400 mg का है, आप 200 mg का भी अवेलेबल हो तो आप ले लीजिए, हम एक कैप्सूल इसका यूज़ करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले एलोवेरा जेल जो है वो अपनी किसी भी तरह निकाल लेते हैं। इसको हम पील ऑफ करके इसकी जो है जेल को निकाल कर हम इसको जो है बारीक ब्लेंड कर लेते हैं। आप किसी भी तरह इसको पील ऑफ कर लीजिए और हम इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे, ताकि इसका जो एक्सट्रैक्ट है हमें अच्छी तरह से मिल जाए। इसकी क्वांटिटी हम आपको बता देंगे। जी व्यूअर्स, हमने एलोवेरा का जो है वो चॉपर में इसको ब्लेंड करके पेस्ट सा बना लिया है। अब हम आपको बताएंगे इसमें हम कितनी क्वांटिटी यूज़ करेंगे। मेरे पास 60 ml जो है वो स्पिरिट अवेलेबल है, तो मैं ये 60 ml जो है वो सारा ले लूँगी। अब मैं एलोवेरा लूँगी। एलोवेरा की क्वांटिटी स्पिरिट से हम हाफ रखेंगे। अगर 60 ml मेरे पास स्पिरिट है तो मैं 30 ml के अकॉर्डिंग तकरीबन एलोवेरा जेल जो है वो लूँगी। अब हम इसमें ग्लिसरीन ऐड करेंगे। ये मैं तकरीबन 1 teaspoon जो है मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्लिसरीन। अब हम इसमें ये विटामिन ई का एक कैप्सूल जो है वो ऐड करेंगे। इसका जो है वो लिक्विड हम निकाल लेंगे इसमें से अच्छी तरह से। और ये डिटॉल है, इसमें हम थोड़ा सा बिल्कुल इसको ऐड करेंगे, ताकि ये फ्रेग्रेंस भी देगा प्लस ये एंटी बैक्टीरिया भी है। हाफ टी स्पून जो है वो मैंने इसमें डिटॉल का ऐड किया है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमारा मिक्सर जो है वो सारा हैंड सैनिटाइजर रेडी हो चुका है। अब हम कोई भी एक बॉटल ले लीजिए, एक जार ले लीजिए जो आपके पास अवेलेबल हो, उसे अच्छी तरह से धोकर सुखा लीजिए, इसमें पानी ना हो।
अब हम इसमें ये अपना हैंड सैनिटाइजर जो है डाल हमारा हैंड सैनिटाइजर जो है वो रेडी है, आप इसे आराम से यूज़ कीजिए, इसे अपने हाथों पर लगाइए, बार बार धोइए और अपने बच्चों को भी हिदायत कीजिए कि वो इसे यूज़ करें। आप आम लाइफ में भी इसको यूज़ कीजिए क्योंकि ये जर्म से प्रोटेक्ट करेगा। बस हमारा हैंड सैनिटाइजर जो है वो रेडी हो चुका है, आप इसको फ्रीक्वेंटली यूज़ कीजिए ऑफ एंड ऑन ताकि हम इस वायरस से बच सकें। अब इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इसको शेयर इसलिए कीजिए ताकि लोग इससे अफादियत जो है वो हासिल कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेमाल कर इस वायरस से बच सकें और सेहतियाब हो सकें। बहुत शुक्रिया।